नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रा पे। दोस्तों आज मैं फिर से एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लेकर के आया हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करूंगा आज आपसे, और प्रोडक्ट का नाम है ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PHD फंड। ये ICICI म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है। दोस्तों इस फंड ने 2018 से लेकर 2020 में जो 2 सालों का इसने अपना सफर तय किया है उसमें इसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, फैंटास्टिक रिटर्न दिया है, और आपको इसके अंदर निवेश करके एक लंबे समय के भागीदार बनना चाहिए। हाँ मित्रों, मेरे द्वारा ये एक रिकमेंडेड स्टॉक है और इस स्टॉक के अंदर आपको अपना एक्सपोजर बना के रखना चाहिए। तो आइए मित्रों, हम आगे की चर्चा करने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं और वहां पे बताते हैं इस फंड के बारे में पूरी जन्म कुंडली इस फंड का। दोस्तों फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PHD फंड। ये फंड्स का अगर मैं रेट की बात करूं तो कल का रेट था 24 जुलाई 2020 का, जो 13.77 रुपए पे क्लोज हुई है। ये ओपन इंडेड फंड्स हैं। ग्रोथ प्लान की मैं बात कर रहा हूं, ये इक्विटी फंड्स के अंदर फंड का जो क्लास है, इक्विटी फंड के अंदर सेक्टोरियल फंड में आता है और फार्मा फंड में आता है। दोस्तों मैं यहां पे एक सावधानी बरतने की आपको सलाह दूंगा, किसी भी सेक्टोरियल फंड्स में आपके टोटल एक्सपोजर का मैक्सिमम 10% होना चाहिए। इस थंब रूल को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। किसी की बहकावे में नहीं आना है, किसी की समझाने में नहीं आना है। कभी भी सेक्टोरियल फंड के अंदर मैक्सिमम एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो का 10% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और संभव है तो 5% ही रहे। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों इस फंड्स को जो लॉन्च किया गया था 25 जून 2018 को लॉन्च किया गया था और इसका इनोफो क्लोज हुआ था 9 जुलाई 2018 को। इस फंड की जो शुरुआती डेट थी वो 13 जुलाई 2018 से शुरू हो गई थी मार्केट में ट्रेड करना। इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,000 रुपए का है और इस फंड के जो फंड मैनेजर है धर्मेश कक्कड़ साहब है, जो बहुत ही सम्मानित, बहुत ही धनी, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है। इस फंड की जो एसेट साइज है वो 1523 करोड़ के लगभग में है और इसमें कोई भी एंट्री लोड नहीं है और कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। दोस्तों इस फंड्स की अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं 52 वीक में तो 13.83 रुपए इसके हाईएस्ट रेट गए हैं और लोएस्ट की बात करूं तो 8.84 रुपए का इसका लोएस्ट गया है। हाँ मित्रों, ये अपने फेस वैल्यू जो 10 रुपए थी उसे फंड नीचे भी गया हुआ है, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि मार्केट के हिसाब से इस फंड के अंदर उतार चढ़ाव भरा भी इसने अपने जीवन में देखे हैं। अगर इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो जब से फंड आया है तब से आज तक 17.32% का कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करके आपको दिया है, और अगर आप सोलिड रिटर्न की बात करें तो 38.30% का। दोस्तों मैं कंपाउंड रिटर्न के ऊपर ही आपसे बात करूंगा क्योंकि कंपाउंड रिटर्न ही वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अर्निंग कैलकुलेटर होती है, तो दोस्तों मैं उसी के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। तो अगर एक सालों में देखें 43.61% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीनों में 56% से ऊपर का रिटर्न है, पिछले 3 महीनों में 61% से ऊपर का रिटर्न है, पिछले 1 महीने में 35% से ऊपर का रिटर्न है और 1 वीक में 72% से ऊपर का रिटर्न है। हाँ मित्रों, इस फंड का अगर आप एसेट एलोकेशन देखें, कंपनी वाइज इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस फंड के फंड मैनेजर ने इस फंड का लगभग 11% के आसपास सिप्ला में इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 10% के आसपास सन फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्टमेंट किया है, लिपुन में 7.34% का एक्सपोजर है, डॉक्टर रेड्डी लैब में 4.69% का एक्सपोजर है, बायोकॉन में 4.39% का एक्सपोजर है, जेबी केमिकल्स में 4.10% का एक्सपोजर है, सेनोफी इंडिया में 3.89% का एक्सपोजर है, नेटको फार्मा में 3.87% का एक्सपोजर है, कैडिला हेल्थ केयर में 3.48% एक्सपोजर है और अदर में लगभग 47.48% का एक्सपोजर है। दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 86.38% का टोटल फंड का एक्सपोजर है और फाइनेंशियल में 3.52% का है और केमिकल इंडस्ट्री में 1.63% का है और अदर्स में 8.47% का है। दोस्तों आप अगर दूसरे फंड हाउस से बात करेंगे फार्मास्यूटिकल फंड्स के ऊपर, इस फंड के फंड मैनेजर ने कई ऐसे कॉल लिए हुए हैं जो इस फंड को डायवर्सिफाई की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें हेल्थ केयर फार्मा फंड तो होना ही चाहिए, इसके अलावा फाइनेंशियल में
केमिकल्स में एंड अदर टूल्स में अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट करके अभी इन फंड मैनेजर ने अच्छा अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड्स है, लंबे समय के लिए आप इसमें SIP के द्वारा या लमसम करके भी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। मेरा मानना है आगे आने वाले आपको 1 सालों में ये फंड आपको 15-25% का कंपाउंड रिटर्न देने की क्षमता रखता है, इसलिए आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इस फंड के अंदर आपको बन के रहना चाहिए। ये फंड हाउस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सम्मानित फंड हाउस है, फंड मैनेजर लाजवाब है, फंड्स की जो इनकी मार्केटिंग टीम है वो भी जबरदस्त है, फंड का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा निकाल कर देते हैं। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने ICICI प्रोडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PhD फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इसके अंदर निवेश करें और आप अपने निवेश को आगे बढ़ने दे, दौड़ने दे और उसको उड़ने का मौका दे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप अपने धन को, आप अपने पैसे को पंख लगने का मौका दें। नमस्कार मेरे मित्र।